हेलो एवरीवन, क्लास बुक करंट अफेयर सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे डेली के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्तन कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा उजवीरा लॉन्च की है। इसका सही आंसर है ए, जाइडस कैडिला। जाइडस कैडिला ने प्रारंभिक और उन्नत दोनों तरह के सकारात्मक स्तन कैंसर के लिए उपचार के लिए उजवीरा ब्रांड नाम के तहत पहला एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट बायोसिमिलर और एक अत्यधिक प्रभावी दवा ट्रस्टोजुमाब एम्टासिन लॉन्च की है। यह उपचार लागत को लगभग 80% तक कम कर सकता है। जाइडस कैडिला के CEO है पंकज पटेल। इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, मई 2021 में किस देश के अधिकारियों ने COVID-19 ब्रेथलाइजर टेस्ट को अस्थायी रूप से मंजूरी दे दी है। इसका सही आंसर है बी, सिंगापुर। इस ब्रेथलाइजर टेस्ट का उद्देश्य मिनटों में किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाना है। इसे NUS यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की स्पिन ऑफ कंपनी ब्रिथोनिक्स द्वारा बनाया गया है, जो कि अब इसके ट्रायल के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रही है। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर के प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब और यहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, विश्व थायराइड दिवस हर साल विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है सी, 25 मई। यह दिन थायराइड के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार थायराइड दिवस 2008 में अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ATA और यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन ETA के द्वारा थायराइड के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया गया था। थायराइड के दो प्रकार होते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की। इसमें थायराइड हार्मोन अधिक मात्रा में बनने लगते हैं और T3 एंड T4 का स्तर बढ़ने एवं TSH का स्तर घटने लगता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन कम बनने लगते हैं और T3 एवं T4 का सीरम लेवल घटने तथा TSH का स्तर बढ़ने लगता है। TSH का पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारा आज का चौथा प्रश्न है, सोने की हॉल मार्किंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है। इसका सही आंसर है सी, भारतीय मानक ब्यूरो। सोने के गहनों की हॉलमार्किंग 15 जून 2021 से शुरू होने वाली है। पहले इसे 1 जून 2021 से लागू करने की उम्मीद थी। उचित समन्वय सुनिश्चित करने और कार्यान्वयन के मुद्दों को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। भारत मानक ब्यूरो की हॉलमार्किंग के तहत BIS ज्वेलर्स हॉलमार्क वाले आभूषण बेचने और परीक्षण और हॉलमार्किंग केंद्रों को पहचानने के लिए पंजीकृत है। यहाँ BIS से मतलब है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। यह संस्था भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। यह उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। पहली बार भारतीय मानक ब्यूरो 1 अप्रैल 1987 को अस्तित्व में आया। हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने PPE किट के लिए एक वेंटिलेशन सिस्टम का आविष्कार किया है। इसका सही आंसर है बी, निहाल सिंह आदर्श। KJ सौम्या कॉलेज के इंजीनियरिंग के छात्र निहाल सिंह आदर्श ने PPE किट के लिए एक वेंटिलेशन सिस्टम का आविष्कार किया है जिसका नाम रखा गया है कोवटेक। इसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है जो एक बारी में 6 से 8 घंटे तक काम कर सकता है। कोवटेक वेंटिलेशन सिस्टम आसपास की हवा का फिल्टर करके उसे PPE सूट में भेज देता है। वेंटिलेशन सिस्टम का डिज़ाइन PPE किट से पूरी तरह हवा को सील करना सुनिश्चित करता है। यह सिस्टम महज 100 सेकंड के अंतराल में उपयोगकर्ता के लिए ताज़ा हवा उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे के डॉक्टर उल्हास खारुल के मार्गदर्शन में निहाल 20 दिनों में पहला मॉडल विकसित करने में सक्षम हुआ है। अब PPE का पूरा नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हमारा आज का छठा प्रश्न है, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर है डी, फिलीपींस। मकर रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर
23:26:22 दक्षिण अक्षांश ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। प्राइम मेरिडियन से शुरू होकर पूर्व की ओर बढ़ते हुए मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है, जिनके नाम हैं नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील। हमारा आज का सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मेला NHF 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका सही आंसर है बी, बेंगलुरु। इस मेले का उद्देश्य नए तकनीक लाना, चर्चा के लिए क्षेत्र खोलना, नए विचारों को साझा करना और आत्मनिर्भर कृषि को बढ़ावा देना है। केंद्रीय मंत्री और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने 8 फरवरी 2021 को वर्चुअल मोड के माध्यम से बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का उद्घाटन किया था, जिसे कि IIHR द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। IIHR का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, जो कि एक ICAR की सब्सिडरी है। वो ICAR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च और NHF का पूरा नाम है नेशनल हॉर्टिकल्चरल फेयर। NHF 2021 की थीम है हॉर्टिकल्चरल फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंडअप इंडिया। यह थीम किसानों को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। अब ICAR के डायरेक्टर है त्रिलोचन महापात्रा और ICAR का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। हमारा आज का आठवां प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका सही आंसर है सी, असम। मानस नेशनल पार्क 1 अक्टूबर 1928 को एक अभयारण्य घोषित किया गया था। अभयारण्य की घोषणा से पहले यह एक आरक्षित वन था। इसे यूनेस्को द्वारा दिसंबर 1985 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। 21 जून 2011 को इसे खतरे में विश्व धरोहर की सूची से हटा दिया गया था। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के CM है श्री हेमंता विश्वा शर्मा और यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। हमारा आज का नवा प्रश्न है, 2021 जिनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है बी, कैस्पर रूड। कैस्पर रूड जिन्होंने जिनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब जीता है वे नॉर्वे के रहने वाले हैं। कैस्पर रूड ने फाइनल में कनाडा के डेनिस शेपोवालोव को हरा कर इस खिताब को अपने नाम किया है। बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर है एर्ना सोलबर्ग और नॉर्वे के किंग है हराल्ड वी। नॉर्वे की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोने। बात करें कनाडा की तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो और कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर। हमारा आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है, पुडुचेरी में मई 2021 में 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में कौन शपथ लेगा? इसका सही आंसर है सी, लक्ष्मी नारायणन। पुडुचेरी में NR कांग्रेस विधायक लक्ष्मी नारायणन 26 मई 2021 को 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लेंगे। उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन लक्ष्मी नारायण को इस पद की शपथ दिलाएगी। पुडुचेरी में पहली बार भाजपा गठबंधन सरकार का हिस्सा बनेगी। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके CM है N. रंगास्वामी। ओके गाइस, हमारी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जरूरतमंद तक पहुँच सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। लास्ट में आप सभी का धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।